भाई किस बॉल बुमराह को तुम छक्का मार, भाई इतना तुम में दम होता, इतना दम होता कि तुम उसको छक्का मारने के काबिल होते तो दूसरों के खिलाफ भी तुम, ये तो काम रोले में आ गया, तो बुमराह को छक्का मार के हीरो बनता हूँ यहाँ पे, बाद में हाइलाइट्स में देखेंगे लोग जी वाह वाह बुमराह को छक्का मारा है स्लॉग पे, वाह 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 मजा आ गया। वो आप लोग वो फोटो दिखा रहे हैं पीछे डंडे उड़े हुए, वो फ्रेम करा के अपनी ड्राइंग रूम में लगा लेना। हारिस रऊफ साहब अभी कोई स्टेटमेंट है जी, हमें अगर चांस मिल जाए तो हम अगर सुपर एट में पहुंच गए तो फिर देखना हम क्या करते हैं। क्यों भाई, वीक में मिल रहा सुपर एट की टिकट या मिल जाएगा आपको, या खैरात बट रही है, लंगर या प्रसाद बट रहा है कि जी सुपर एट का आपको टिकट मिल जाए। टीमें अपने दम पे जाती हैं। 16 रन 150 वाला बॉलर, स्पीड है जी 150, लानत है ऐसी 150 की स्पीड पे जो 3 गेंदों पे 12 ना डिफेंड कर सके। तो दोस्तों मुकाबला तो यूएसए और आयरलैंड का था, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी देख रहे थे और पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि किसी भी तरह आयरलैंड यूएसए को यह मैच हरा देगा और पाकिस्तान फिर आयरलैंड को मैच हरा देगा, उसके बाद हम सुपर एट में चले जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मुकाबले में जिस तरह की बारिश होती रही उसी तरह पाकिस्तानी इस मैच को लेकर रोते रहे। तो दोस्तों पाकिस्तानी इस मैच को काफ़ी करीब से देख रहे थे कि किसी भी तरह 5-5 ओवरों का मैच हो जाए, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में निकल जाए। एक भी बॉल डाली नहीं गई और सारा मैच रद्द हो गया। उसकी वजह से अब पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा झटका लगा। इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाहर हो चुकी है। वही पाकिस्तानी जो दोस्तों आयरलैंड से उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन अपनी टीम एक भी मैच इस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाई है। जिस तरह पहले यूएसए के हाथों हारी सुपर ओवर हुआ, उसके बाद दोस्तों सुपर ओवर में जिस तरह पाकिस्तान को जालत उठानी पड़ी वह पाकिस्तान के लिए काफ़ी शर्मसार कर देने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथों भी पाकिस्तानियों को एक बार लग रहा था कि हम यह मैच जीत जाएंगे, लेकिन बुमराह के आगे उसमें भी घुटने टेक दिए। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से, जिस तरह बाबर आजम और अपनी बॉलिंग लाइनअप के बारे में हाइप क्रिएट करता था, वह इन सब की जमकर धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान अब इस टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुका है, इसके साथ साथ आगे 2026 में होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी पाकिस्तान को खेलना होगा। इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जब तुम किसी अच्छी तगड़ी साइड के साथ जीत ही नहीं रहे तो फिर इनकी छुट्टी करें ना, ये किंग विंग वजीर शजीर बनाए नई टीम, 2-3 साल हारेगी कि जीतना सीख जाएगी। इन पे इतना इन्वेस्ट किया, 100-100 मैच हो गए सबके, बाबर 100 से ज्यादा रिजवान के होने वाले हैं, फखर के होने वाले, शताब 100 से ज्यादा मैच खेला हुआ, बाकी ये शहीन हारिस रऊफ वगैरह 100-100 विकटें हो गई हैं उसकी, हारिस रऊफ की, शताब की, शताब की भी बात सुन ले, 100 से ज्यादा विकटें हैं। T20 का पहला पाकिस्तान का बॉलर बना जिसकी 100 से ज्यादा विकटें हैं, 100वीं विकेट उसने ली, पहला बॉलर बना था, 100 से ज्यादा मैच भी हो गए हैं। अब कैप्टन का उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उसको गेंद सूंघने के लिए भी नहीं देता कि भाई तूने गेंद करवाना तो दूर की बात है, तू गेंद तेरे पास आए जल्दी से थ्रो कर देना, इस काबिल भी नहीं समझता। और इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती, कोई शर्म और कोई एहसास भी नहीं है कि आपने पाकिस्तान के लिए 100 T20 विकेटें ली हैं, 100 से ज्यादा मैच खेल चुके हो और कप्तान तुम पे इतना भरोसा नहीं कर रहा कि इंडिया के खिलाफ एक ओवर अगर किसी पार्ट टाइमर से करवाना है तो इफ्तिखार से ओवर करवा दिया, भाई तुझे ओवर ही नहीं दिया उसने, ये तो तुम्हारे पे भरोसा है तुम्हारे कप्तान का। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे ये कहानियां नहीं चलती। 194 का बड़ा मुश्किल था, 200 का सोचना, तब 194 किया इंडिया में, इंडिया के खिलाफ। तो जब आप इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करते हैं तभी लोग मानते हैं। एक मैच बस वो ड्यू वाला वर्ल्ड कप का, वो ही हमारे सर पड़ गया, वही हमारे सर पड़ गया कि 150 में जी 10 विकेटों से जीत गए, तो अगले 10 साल जलीलो खुवार होते नहीं, रुस्वा होते नहीं। तो बाबर आजम साहब बड़े मैच में जी बल्ला खामोश है और जाके फिर गुस्सा दूसरों पे, ये वो फील्ड वगैरह में, फील्ड में भी क्लूलेस, कप्तानी में क्लूलेस, बैटिंग में गुड फॉर नथिंग। बैट्समैन वो है जो अंडर प्रेशर बड़े मैच में जिता के आए, रन बॉल ही था ना तो नॉट आउट कर आते, कर देते 50 गेंदों पे 50, 55 गेंदे ले लेते यार, लेकिन बड़े मैच में बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर आते हैं जनाब रिजवान साहब, मेरे हम नाम, एक्टिविटी करा लो इधर उधर, रिलीजन के नाम पे
एक्सप्लॉइट कर लो क्रिकेट फैंस को, जी ये तो बहुत अच्छा नमाजें पढ़ता है, तो नमाजें अपने लिए पढ़ते हो, तुम्हारा और रब का ताल्लुक है। हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हमें चाहिए कि तुमने फील्ड में क्या किया, कि तुम जब बैटिंग कर रहे हो तो क्या किया तुमने, चिपका रहा च्युइंगम की तरह, बिल्कुल चिपका रहा च्युइंगम की तरह, एंड पे पाकिस्तान का रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर उठा के बुमराह को चौका छक्का छक्का मारने के चक्कर में डंडे उड़ गए और वापस जाते हुए बने। इतनी क्रिकेट खेल ली है, इतना इनमें सेंस नहीं है कि किस बॉलर को अगर टारगेट करना भी है तो किस बॉलर को टारगेट करना, भाई किस बॉलर, बुमराह को तुम छक्का मार, भाई इतना तुम में दम होता, इतना दम होता कि तुम उसको छक्का मारने के काबिल होते तो दूसरों के खिलाफ भी तुम अच्छा 44 गेंदों में जो भी किया 30-32, अगर इतना दम होता तो बात वहां तक पहुंचती क्यों। और एंड में याद आया कि जनाब ये तो काम रोले में आ गया, तो बुमराह को छक्का मार के हीरो बनता हूं यहां पे, बाद में हाइलाइट्स में देखेंगे लोग जी वाह वाह बुमराह को छक्का मारा है स्लॉग पे, वाह 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 मजा आ गया। वो आप लोग वो फोटो दिखा रहे हैं पीछे डंडे उड़े हुए, वो फ्रेम करा के अपनी ड्राइंग रूम में लगा लेना। तो ये रिजवान साहब हैं, कनाडा के खिलाफ भी करते कराते मरते मराते इन्होंने चेज किया, उसमें भी चलो जी रिजवान साहब 50 करके बड़ा जी ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे जी, हाँ जी हाँ जी कमाल कर दिया आपने, बहुत ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया, जिस मैच में मैटर करता है उसमें कुछ करते नहीं, एक से बढ़ के एक है, किस किस की बात करें। फखर ठीक है जी मैच विनर है पाकिस्तान का, अब उसमें भी इतनी सेंस नहीं है कि जब तूने अक्षर पटेल को, हारिस राउफ साहब अभी कोई स्टेटमेंट है जी हमें अगर चांस मिल जाए तो हम अगर सुपर एट में पहुंच गए तो फिर देखना हम क्या करते हैं, क्यों भाई वीक में मिल रहा सुपर एट की टिकट क्या मिल जाएगा आपको, या खैरात बट रही है लंगर या प्रसाद बट रहा है कि जी सुपर एट का आपको टिकट मिल जाए। टीमें अपने दम पे जाती हैं, 16 रन 150 वाला बॉलर, स्पीड है जी 150, लानत ऐसी 150 की स्पीड पे जो 3 गेंदों पे 12 ना डिफेंड कर सके। और ये दिल दुखाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का, पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से जीता हुआ मैच 30-35 गेंदों पे उतने रन हैं, टक 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 विकेटें वहां पे गिरी हैं, और यहाँ पे 48 गेंदों पे 48 चाहिए, 8 विकेटें हाथ में है वहां से। इंडिया तो वो मैच अगर हारता तो भी चला जाता, तो वो तो फिर भी जीत के जा रहे हैं ग्रुप टॉप करके, तुम लोग का वापसी का टिकट कराना जाके ईद वहां पे, जो दिल दुखाए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के उनके साथ जाके ईद का बहुत अच्छा तोहफा दिया है आपने, बहुत बेहतरीन कमाल किया। फिर जनाब इफ्तिखार चचा जान की बारी, कोई ऐसा मैच मुझे याद नहीं पड़ता कि जिसमें इसने पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश किया हो, यह मैच फिनिश जरूर करता लेकिन ये ऑपोजिशन के लिए मैच फिनिश करता, ये अपनी टीम के अगेंस्ट मैच फिनिश करता। इसका क्लेम ये है कि सारी गेंदें तो बाबर रिजवान खेल जाते हैं तो हमें एंड पे मिलता जी इतने का स्ट्राइक रेट, इतने का स्ट्राइक रेट, ये इसके पीछे छुपते हैं ये कि हमें गेंदें नहीं मिलती, जिस मैच में गेंदें मिलती हैं उसमें तुम टिकते नहीं हो। 70 मैच खेल गया ये चाचा चुपके चुपके, 70 T20 इंटरनेशनल मैचेस, किसी ने नोटिस तक नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऊपर वालों की है बाबर रिजवान शिजवान इन्हीं की शामत आई रहती है, यह चुपके चुपके बीच में से 70 मैच खेल गया और परफॉर्मेंस इसकी आपके सामने है, गुड फॉर नथिंग। मेरे ख्याल में आखिरी मैच ये खेल गया अपना जो इसने इंडिया के खिलाफ खेलना था, अब इसकी जरूरत नहीं है। जहां पे अगर ये कह रहे जनाब नकवी साहब के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो इट इज टाइम ये सबकी छुट्टी करें, बनाए नई टीम, ये कौन सा जीत जाते हैं, ये फुल स्ट्रेंथ आपकी टीम कब जीती है, न्यूजीलैंड से जलील और रुसवा होके आए हैं 4-1 से, वो फिन एलन ने या हारिस रऊफ का ये शाहीन को इनको छक्के मार मार के इनका कुचूमर निकाल दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर गया एक इनिंग में, इतनी मार 4-0 से पाकिस्तान वो सीरीज हार रहा था, आखिरी मैच में कोई थोड़ी सी इन्होंने शर्म खाई और एक मैच जीत गए फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड से 4-1 से घर से, मतलब हार के आए। फिर न्यूजीलैंड की बी और सी टीम व्हाटएवर टीम दैट वाज वो इनको इनके घर में आके जलील और रुसवा करके गई, दे वर सो क्लोज टू विन द सीरीज
अगर वो आखिरी मैच 8-10 रन से ना हारते तो वो 3-1 से घर पे सीरीज इनसे जीत के चले जाते। ये इनकी औकात है। इंग्लैंड में जो हुआ, 2 मैच 2 बारिश की नजर हो गए, 2 मैच दूसरे भी होते तो लग पता जाता 4-0 से मुंह काला करवा के उधर से भी आते, फिर उधर से इधर आए हैं, यूएसए ने ठोक दिया, इंडिया से फेंटी लगवा ली 120 भी, सारे इंडिया के वहां पे दोस्त और जो मतलब साफ ही हैं, हर कोई मुबारकबाद दे रहा है, ले गए जी आप मैच ले गए, कोई नहीं यूएसए से हारे हैं तो आज आपने हिसाब किताब बराबर कर दिया। मैं कहा भाई साहब ठहर जाओ, हम इनकी रग रग से वाकिफ हैं, अंडर प्रेशर इनकी टांगे कांप जाती हैं, थोड़ा सा प्रेशर जनाब रोहित शर्मा ने डाला है, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, टक 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 एक के बाद छूटी। तो जब ये मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम किसी अच्छी और बड़ी साइड से व्हेन डिड दे विन अ बायलैटरल सीरीज, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है, बनाओ नई टीम, दो उनको चांस, और ये हार रहे हैं तो वो भी हार जाएंगे। लेकिन इस तरह जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस वाला तो एटीट्यूड नहीं होगा कि कोई बात नहीं जी, हमारा तो काम ही बन गया हारने का। इट लुक्स लाइक कि बिल्कुल वो सरकारी दफ्तर में नहीं होता जैसे कि बिल्कुल जी हल्का हल्का पंखा घूम रहा, दिल आए तो काम करो ना करो मजे से जी जिंदगी जा रही है, वो हिसाब इनका। इनको कोई परवाह नहीं है अपने फैंस की, इनको कोई परवाह नहीं है कि जनाब कितने ज्यादा लोग, एक खेल क्रिकेट ही रह गया उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया है, और दोस्तों पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि किसी भी तरह यह टीम जैसी भी है तो घसीट पिटीट के सुपर 8 तक तो पहुंचेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएसए ने जिस तरह का खेल दिखाया दोस्तों, पहले पाकिस्तान के स्कोर की बराबरी की और उसके बाद सुपर 8 में जिस तरह 18 रन बोर्ड पर लगा दिए वह पाकिस्तानियों से नहीं बन पाए। तो दोस्तों इस तरह पाकिस्तान के लिए सब इस टूर्नामेंट में सिवाय जलील होने के कुछ भी नहीं था, इनको चारों तरफ से जालत ही उठानी पड़ी है। और अब आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको क्वालिफाई खेलना होगा, उसमें भी न्यूजीलैंड जैसी टीमें होगी, क्या पाकिस्तानी वहां से भी क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, यह भी पाकिस्तानियों को लिए काफ़ी शर्मसार कर देने वाली बातें होंगी। और दूसरी तरफ जहां अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है, कह रहा है कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, वह वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।